हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहन लाल। और आज का मेरा जो शॉर्ट हेल्प टॉक रहेगा वो रहेगा रिलेटेड हम किस तरह से अपनी बीमारियों को अपने हेल्दी पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर कि हम लोग हमेशा हेल्दी रहें। तो जब भी आप लोग अगर हेल्दी हैं तभी आप अपने पैसे को और अपने रिश्तों को इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे किस तरह से हम अपने इलनेस के पैटर्न को वेलनेस के पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शुरू हम करते हैं आज का हेल्प टॉक हमारा कि कैसे हम लोग इलनेस से वेलनेस में कन्वर्ट करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। तो पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि हमारे पास बहुत सारे प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट्स होते हैं, जैसा कि हमारा मेडिकल साइंस भी हमें कहता है। हमारी जो भी बीमारियां हैं यानी हमारी जो भी डिजीजेज हैं, हमारे जो भी यकीन है यानी हमारे जो भी बिलीव्स हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक होता है, यानी बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है। किस तरह से वो समझे, जैसे मेडिकल साइंस कहता है हमारे अंदर बहुत सारे नोसिबो इफेक्ट और प्लेसिबो इफेक्ट्स पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि आपका विश्वास किसी डॉक्टर्स के ऊपर या किसी हॉस्पिटल के ऊपर या किसी मेडिसिन पे बहुत ज्यादा होता है। आप केमिस्ट के पास जाते हैं और दवाई खाते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। कई बार किसी डॉक्टर पे आपको ज्यादा विश्वास है, उसने अगर मीठी गोली भी आपको दे दी तो भी आप ठीक हो जाते हैं। इसको हम लोग अपने प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट भी एक इफेक्ट काम करता है जिसे हम लोग नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो आपकी हेल्थ के लिए काम कर रहा है, पैटर्न को बना रहा है। नोसिबो इफेक्ट हमेशा इसका उल्टा होता है। आपने बहुत सारे ऐसे बिलीफ पाले हुए हैं, नोसिबो इफेक्ट मतलब आपने ऐसे बहुत सारे बिलीफ पाले हुए हैं जिसका आपको कोई फायदा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा मोटापा कभी जाता ही नहीं है, बर्गर खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, चावल खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, 50 साल के बाद तो हार्ट अटैक होना ही होना है, डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती, कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। ये सारे के सारे हमारे नोसिबो इफेक्ट्स होते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। और ये बिलीफ आपके कभी किसी काम के तो है नहीं, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से आपके समाज से, आपकी सोसाइटी से, कहीं से आपके पढ़ के, कहीं डॉक्टर से सुन के आप लोगों ने ये मान लिया है। अब इस बात को बहुत ध्यान सुनिए, कोई भी चीज अगर कंटेंट के साथ किसी कंटेक्स्ट में बोली जाए तो वो ठीक होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे, जब भी आप लोग बोलते हैं कि ऊनी कपड़े अच्छे होते हैं लेकिन सर्दियों में, तो यानी आपने कंटेंट के साथ कंटेक्स्ट को यूज किया। जब भी आप लोग बोलते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, तो यानी क्या हुआ, हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू एलोपैथी तो हटा दिया और हमने क्या रख लिया कि डायबिटीज कभी ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह से हमारे सारे के सारे जनरल बिलीफ, देखिए कितने खराब हम लोगों ने अपने बिलीफ रखे हुए हैं कि मोटापा बढ़ता है किससे, चावल खाने से। आपको पता है हमारा पूरा साउथ इंडिया, बिहार, झारखंड, हर जगह सिर्फ चावल ही खाया जाता है, उन लोगों का वेट नहीं बढ़ता है। लेकिन जब ये नॉर्थ इंडिया के अंदर आते हैं तो नॉर्थ इंडिया में बहुत से लोग कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे फैमिलीज बोलती है कि यार चावल खाएंगे ना तो वेट बढ़ जाएगा। ये हम लोगों के नोसिबो इफेक्ट का काम कर रहा है। अब हम चावल खाएंगे तो जरूर बढ़ेगा क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम हमने उसी तरह से बना लिया। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बिलीव्स जो होते हैं हमेशा आपके वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका जिसे हम लोग यूनिवर्सल कहते हैं और दूसरा बिलीफ होता है जिसको हम लोग जनरल कहते हैं। जनरल कैसे, एग्जांपल समझिए, एक आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक आपका जनरलाइज्ड ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हमारी पृथ्वी घूमती है। अब ये हर एक के लिए घूमेगी, फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया के लिए भी घूमेगी, ये बर्मा के लिए घूमेगी, पाकिस्तान के लिए भी घूमेगी, यूरोप के लिए घूमेगी, ये घूमेगी, इसमें आपकी कोई बहस नहीं होगी। हमें सांस लेने के लिए हमें लंग्स की जरूरत पड़ती है, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो चुकी है और आप लोग इस चीज को मानते हैं। तो क्या होगा, इसके लिए हमारे कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई फैक्ट नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जनरलाइज ट्रुथ भी होते हैं। दूसरे जनरलाइज ट्रुथ क्या होते हैं, जो हम लोगों ने बना रखी है। फॉर एग्जाम्पल, चार लोगों ने आप लोगों को धोखा दिया और आपने कहीं ना कहीं मान लिया दुनिया बड़ी जालिम है। आपने कभी 10 बार आप किसी एग्जाम में फेल हुए, 11वीं बार आपने उसको जनरलाइज ट्रुथ कर लिया कि अब तो मैं पास हो ही नहीं सकता। आपने बहुत एफर्ट्स किए, आपका वजन नहीं घटा और आपने इसको एक बेंचमार्क दे दिया कि मैं कभी पतला हो ही नहीं सकता। कहीं आप गए, आपकी एक बार जेब कटी, 2 बार जेब कटी, आपने क्या बोला, वो सिटी ऑफ पर्टिकुलर जो स्टेट है वो वहां पे जेब कतरे रहते हैं। तो ये सब हमारे जनरलाइज ट्रुथ आप लोगों ने बना ली है। जब भी कभी आप लोगों के पास जनरलाइज ट्रुथ होंगे, ये आपके ओपिनियन है, ये आपके ओपिनियन अलग होंगे, मेरे अलग होंगे, हर एक के अलग ओपिनियन होंगे, जिसको हम लोग कई बार हमने डिस्टॉर्टेड भी कहते हैं, यानी हमारे माइंड ने कोई चीज हमारी परसीव की और हम लोगों ने वो अपनी मान ली कि हमारे साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब ये सच्चाई है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने ऐसा बोला तो ये सच्चाई है। तो यहां पर हमने इसे जनरलाइज ट्रुथ का नाम दिया है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है हम किस तरह से हमारे ये जो खराब पैटर्न है इसको हम सुधार कैसे सकते हैं। ये जो नोसिबो बिलीफ की मैं बात कर रहा हूं, जो नोसिबो इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, किस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। देखिए, एज पर द मेडिकल साइंस उसने बहुत अच्छे से बोला हुआ, उसने बोला कि मेडिसिंस आपको ठीक नहीं करती, मेडिसिंस पे जो आपका विश्वास है वो आप लोगों को ठीक करता है। आप समझिए इस बात को, हमें किस तरह से अपने नोसिबो इफेक्ट्स को रिमूव करना है। तो नंबर वन पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहला क्वेश्चन अपने आपसे पूछना है। जब भी कोई आपके पास क्वेश्चन आता है, कोई आपका ट्रुथ आता है, कोई बिलीफ आता है, पहला क्वेश्चन, क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है? और जैसे ही आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे वैसे ही आपका बिलीफ वहां टूट जाएगा, यानी पहला जो बिलीफ है वहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे आपने बोला मैं मेरा मोटापा कम नहीं हो सकता, आपने जैसे पहले क्वेश्चन पूछना क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो एकदम से आंसर आएगा अंदर से नो,
तो पहला आपने टांग यानी उस चेयर की तोड़ दी, उस पर्टिकुलर चेयर की आपने एक टांग तोड़ दी। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें से पूछिए कि किस तरह से ये वीक बिलीफ यानी जो बिलीफ आपने ले रखा है ये किस तरह से आपकी मदद कर रहा है, क्या ये मदद कर भी रहा है या खामा खा आपने ले रखा है बस। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरी टांग आपने वहां पे तोड़ दी। तीसरा, जब आप थर्ड इनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो तीसरा क्वेश्चन फिर पूछिए कि ऐसा कौन सा बिलीफ है जिसको मैं इस वीक बिलीफ के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। जैसे ही आपने ये तीसरा बिलीफ को लिया कि मैं, मेरे एग्जांपल के तौर पे चावल खाने से मोटापा हो जाता है, ये आपका छोटा वीक बिलीफ है, और एकदम से आपने दूसरा बिलीफ क्या लिया, साउथ इंडिया में तो कोई लोग खाना चावल खा के पतले रह रहे हैं, मतलब वो मोटे नहीं हो रहे, तो आपने क्या किया उसको ऊपर ले लिया। और चौथी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये जो मैं बिलीफ रिप्लेस कर रहा हूं उसको लेने से मुझे क्या गेन होगा, और अगर मैं इसको नहीं लेता हूं तो मुझे क्या पेन होगा। ये चार चीजें करने से ही आप देखेंगे कि आपने उस कुर्सी की चारों टांगे तोड़ दी, यानी अपने बिलीफ की, जो आपने नोसीबो बिलीफ यानी जो ऐसा बिलीफ जिसका कोई फायदा नहीं आपने सिर्फ रखा हुआ है, ये चार क्वेश्चन करने से ही आप देखेंगे कि आपके बिलीफ टूट गए। यानी जो भी आपने हेल्थ के अपने पैटर्न बना रखे हैं, डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगी, डिप्रेशन से निकला नहीं जा सकता, हार्ट अटैक तो 50 साल के बाद होना ही होना है, दमा दम के साथ जाता है, ये सब चीजें हमारे नोसीबो इफेक्ट्स के काम करते हैं। तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने नोसीबो बिलीफ की एक लिस्ट बनाइए और उन पर ये चारों चीजें अप्लाई कीजिए, आप खुद देखेंगे आपके सारे के सारे बिलीफ चेंज हो जाएंगे। हमने जो काम करना होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने इस पे रखना है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो हम उसको मानते हैं। मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूं अपनी वर्कशॉप के अंदर, मेरी हर महीने देश के अलग अलग जगह मेरी ये एनएलपी की मेरी प्रोग्राम, ये सबकॉन्शियस माइंड की मेरी वर्कशॉप चलती है, मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत चलते हैं, मैं लोगों की हेल्प करता हूं इन बिलीफ्स को चेंज कराने के लिए। ये डॉक्टर्स के या जो भी जितने भी लोग होते हैं चाहे वो कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट आपका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम से ही हम लोग अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ते हैं और ये बिलीफ सिस्टम की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। सोचिए ना एक बात को कि जब हम लोग बोलते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप बताइए बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर जो पैसा कमा रहे हैं वो भी यही सोचते हैं? नहीं, उनके लिए बहुत आसान है। जब हम लोग बोलते हैं कि आप एक पेंट को ले लो कि पेंट धोना आसान है या फिर आप पैसा कमाना आसान है, तो जो एक आप देखेंगे जो लोअर क्लास होंगे या फिर मीडियोकर क्लास या फिर एवरेज जो थिंकर होंगे वो हमेशा बोलेंगे पेंट धोना आसान है। लेकिन क्या यही चीज अगर बड़े बड़े जो अभिनेता हैं या बड़े बड़े जो नेता होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, क्या उनका भी यही कहना होगा? नहीं। तो अपने बिलीफ्स को हमें चेंज करना है। आप लोग मेरे, वैसे भी मेरा यूट्यूब का चैनल है नितिन मोहन लाल का, आप वहां पे मुझे देख सकते हैं, मेरे 200 से ऊपर वीडियोस हैं डिफरेंट डिफरेंट एनएलपी के ऊपर और दूसरी साइंटिफिक और स्पिरिचुअल मॉडलिटीज के ऊपर। मैं एक ऑथर हूं, मेरी बुक्स पढ़ सकते हैं आप लोग, डिस्कवर द पावर ऑफ अफर्मेशंस की, वॉक विद द ग्रेटिट्यूड की और आइकॉनिक पेरेंटिंग की। जो भी लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं nitinmohanlal.org पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद करूंगा हेल्प टॉक का और आप लोगों का कि आपने मुझे इतना समय दिया, मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।